करता हूँ, मनन करता हूँ प्रणाम कि हम लोगों ने कई महीनों से लगातार प्रयास करके रास्ता दिखाने का काम किया है। आपके लिए कुछ पंक्तियाँ और कहना चाहता हूँ। पुरानी पेंशन को लेके, क्योंकि नई पेंशन में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, कोई निश्चितता नहीं है कि हमको कितनी पेंशन मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। टोटल शेयर बाज़ार के ऊपर आधारित है नई पेंशन, और नई पेंशन में आज ये हाल है कि हम लोगों का 2.5 साल से पैसा कट रहा है। एक व्यक्ति का 2-2, 2.5-2.5 लाख रुपये कट चुका है, और ये भी पता नहीं है कि वो 2-2.5 लाख रुपये हर साल का कहाँ जा रहा है। और इसमें कोई निश्चितता नहीं है, शेयर पे आधारित है कि हमारी 1000 पेंशन मिलेगी कि 4000 मिलेगी। और जबकि पुरानी पेंशन में ये निश्चित होता था कि आधी जितना वेतन हमको मिलता है उसका आधा तो मिलेगा ही। तो हम पुरानी पेंशन को लेके आज यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन जो इनको 2005 से बंद हो गई है, उसमें आप सभी का ये कहना है कि उसमें अपने रिटायरमेंट के बाद का जीवन, शेष जीवन, अपने सामाजिक और आर्थिक हर तरह से, मतलब स्वावलंबी होकर खुद के उस पर डिपेंड ना होकर, किसी पर डिपेंड ना होकर जी लेते थे। नई व्यवस्था में शायद कुछ खामियां हैं उसमें। अब वो खामियां कुछ ऐसी हैं कि इनको किसी ना किसी पर डिपेंड होना पड़ रहा, तो इस वजह से ये लोग आंदोलनरत हैं और इनकी ये जायज़ मांग है। हम पूरी तरह से इनकी मांगों का केंद्र सरकार से निराकरण कराने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे।